2024 सोमति अमावस्या पर जरूर करें ये उपाय, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली 15वीं तिथि को अमावस्या आती है। इस तिथि को सनातन धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही इस तिथि पर ऐसे कई कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से आप जीवन में लाभ देख सकते हैं। ऐसे में जानते हैं कि सोमति अमावस्या तिथि पर आप अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। 2024 डेट अमावस्या, यानी वह रात जब चांद पूरी तरीके से छिप जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर स्नान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अप्रैल माह में आने वाली सोमति अमावस्या के कुछ खास उपाय जिनके द्वारा आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। अमावस्या शुभ मुहूर्त। चैत्र माह की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल को प्रातः 3:21 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 8 अप्रैल रात्रि 11:50 पर होगा। ऐसे में चैत्र माह की अमावस्या 8 अप्रैल सोमवार के दिन मनाई जाएगी। क्योंकि यह अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे सोमति अमावस्या भी कहा जाएगा। मिलेगा दीर्घायु का आशीर्वाद। सोमति अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन सुबह स्नानादि करने के बाद पीपल के पेड़ में गंगाजल जल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर उसे 108 बार पीपल की परिक्रमा करते हुए लपेटें। माना गया है कि इस उपाय से पति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। करें ये खास उपाय। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। ऐसे में सोमति अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिल सकता है। करें शिव पार्वती का पूजन। सोमति अमावस्या को शिव पार्वती के पूजन के लिए खास माना गया है। ऐसे में इस दिन सोमति व्रत करें और भगवान शिव व माता पार्वती का विधि विधान से पूजा करें। माना जाता है कि इस तिथि पर व्रत करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। दूर होंगे लड़ाई झगड़े। अगर पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में सोमति अमावस्या के दिन गाय को 5 तरह के फल खिलाएं। इसके बाद श्री हरि के मंत्र का जप करते हुए 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सकती हैं। सोमति अमावस्या का महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या का दिन बहुत शक्तिशाली होता है। यह दिन चंद्रमा की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन चंद्रमा अपने अस्तकाल में होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में है तो यह निश्चित रूप से आपकी भावनाओं और संवेदनाओं को प्रभावित करता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा को जल चढ़ाने और भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर शिव और पार्वती की पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और पाप से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। सोमवति अमावस्या पर स्नान और दान करने से पितर खुश होते हैं। तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र अमावस्या पर बन रहा दुर्लभ और शुभ इंद्रयोग, भगवान शिव के साथ होंगी माता पार्वती, करें ये काम, बरसेगी कृपा। कई वर्षों के बाद चैत्र अमावस्या पर दुर्लभ और शुभ इंद्रयोग बन रहा है। इस योग में शाम 6:05 तक रहेगा। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव आदिशक्ति माँ पार्वती संग रात 11:50 तक साथ रहेंगे। सोमवार 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या है। सोमवार को अमावस्या होने से इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बेहद महत्व है। इस दिन व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं।
पितृदोष निवारण के लिए दिन अत्यंत शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ होता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या की तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस अमावस्या पर किए गए दान पुण्य और तीर्थ स्नान से अक्षय पुण्य मिलता है। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को तड़के 3:21 से शुरू होकर 8 अप्रैल को ही रात 11:50 पर समाप्त होगी। कई वर्षों के बाद चैत्र अमावस्या पर दुर्लभ और शुभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग शाम 6:04 तक रहेगा। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव आदिशक्ति माँ पार्वती संग रात 11:50 तक साथ रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हों तो रुद्राभिषेक करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। गंगाजल से करे स्नान, पितरों को आत्मा को मिलेगी शांति। इस दिन गंगाजी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगाजल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। मान्यता यह भी है कि इस दिन विधिवत स्नान करने से है। पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को निमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। पितरों को इस तरह करें प्रसन्न। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दूध चढ़ाएं और 7 परिक्रमा लगाएं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है, वह आर्थिक स्थिति सुधरती है। इस उपाय से परेशानी होगी दूर। अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति आएगी। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीब को दान करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्म ग्रंथों से संबंधित कई जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रमाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।